सो भाई इतना बड़ा गुड न्यूज देने जा रहा हूँ ना, दिल खुश हो जाएगा, बोलो ये सर क्या बात बता दिया। बट इसके लिए ना भाई चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और भाई रुको रुको रुको, एक बात बताना मुझे, ग्रीड रोल में ना बोर्ड रूल के हिसाब से सभी चीजें करवाई जा रही है, बताई जा रही है, और आज से कंटिन्यू आप सभी के लिए मराठी का बहुत सारी चीजें आने वाली। तो फटाफट फटाफट जाके गिरी टूटो को भी सब्सक्राइब करके रख लो, नहीं तो आपका दोस्त आपसे आगे चला जाएगा, आप सोचोगे यार मेरे को तो बाद में पता चला। और अगर आप सभी को प्रदीप सर एज अ स्टूडेंट चाहिए तो नीचे कमेंट की बरसात कर दो कि सर हमें भी चाहिए, ट्वेल्थ वालों के लिए बनाया था ना, हमारा भी है, हमें भी चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम बताते हैं कि किस चीज की मैं बात करूं। सबसे पहले भाई कंबाइन रूल आप सभी को पता ही है, अगर कंबाइन रूल किसी को नहीं पता होगा तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा। तो कंबाइन रूल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल कंबाइंड रूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 20 मार्क्स ग्रेस ग्रेस मार्क्स की। सर 20 मार्क्स ग्रेस मार्क्स की, सर तो सर ये तो स्पोर्ट्स प्लेयर वालों को ही मिलेगा। नहीं रुके रहो रुके रहो रुके रहो, अगर इनकेस आपको 100 में से 25 मार्क्स मैथ में मिल गया, 25 मार्क्स मैथ में मिल गया, अरे सर फेल हो गया ना सर मैं, क्या सर आप गुड न्यूज लिखे हो और 25 मार्क्स आप बोल रहे फेल, नहीं फेल नहीं, रुके रहे ना भाई क्यों। तो भाई बोर्ड बोलता है, बोर्ड का हमेशा यही रहता है कि पहला उनका यही मोटो रहता है कोई बच्चा फेल ना हो, क्योंकि आप सभी को पता है हर स्कूल पहले स्कूल लेवल पे रहता है कि हमारा कोई बच्चा फेल ना हो, स्टेट लेवल पे यही रहता है कि हमारा रिजल्ट हर साल का रिजल्ट बहुत अच्छा लगे, क्योंकि हर स्टेट स्टेट में कॉम्पिटिशन होता है कि हमारे स्टेट का रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहे। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जिनसे बच्चों को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो भाई एक चीज ये है, इसके अंदर 20 मार्क्स बोला जाता है कि अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसको 20 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स, बट एक ही में 20 मार्क्स नहीं मिलता, उसको कैसे डिवाइड किया जाता है। अब मान लो उसको मैथ के अंदर 25 मार्क्स मिले हैं, तो इस 25 में से 10 मार्क्स दिया जाता है, तो इसका हो जाएगा 35 मार्क्स, और 35 मार्क्स वो पास, और जो बच्चा फेल हो रहा है उसके लिए। देन इसके बाद अगर कोई बच्चा, कोई ऐसा एक्स वाई जेड कोई ऐसा बच्चा है जिसको जिसको मान लो 32 मार्क्स मिला है, तो बोर्ड की तरफ से अभी इसके अंदर कितने मार्क्स बच गए, 10 मार्क्स और बच गए, 10 मार्क्स और बचा है ना, तो इसमें से 3 मार्क्स और दे दिए जाते हैं, तो ये हो जाता है 35 मार्क्स। और अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको 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 कि मान लो उसको मिला है टोटल 28 मार्क्स, कितना मिला है 28 मार्क्स, तो अभी भी अपने पास 7 मार्क्स बच रहा है, तो 28 + 7 कितना हो गया 35 मार्क्स। तो भाई पास हुआ होना हुआ आसान कि नहीं हुआ, मुझे पहले कमेंट करके बताओ, पास होना हुआ, बोलोगे सर दिल खुश कर दिया सर, एकदम दिल जिंगल आला हो गया सर। तो भाई ये हो गया, और इसके बाद तो कंबाइंड रूल भी, तो भाई हमारा बोर्ड इतना सपोर्ट दिखा रहा है, तो भाई बोर्ड की भी जय जयकार हो जानी चाहिए एक बार कमेंट बॉक्स में। इतनी सारी चीजें हो रही है फिर भी आप डर रहे हो, आप डर रहे हो सही जीजो, बस आपको स्कोर, अब आपने को स्कोर करना है, स्कोर करना है, तो किसी बच्चे को फेल होने का बिल्कुल ही टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।